बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम आपसे कुछ गोल्डन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, यानी छोटी छोटी बातें हैं और उससे बड़ी सीख मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सैयद जुल्फकार जैदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, बड़ों का साया जब तक आपके सरों पे रहता है, तब तक आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जब बड़ों का साया आपके सरों से हट जाता है, तब आपको समझ में आता है कि आपने जिंदगी में क्या खोया। तो प्लीज अपने घर में जो आपके बड़े हैं, उनकी रेस्पेक्ट करिए, उनको इज्जत दीजिए। दोस्तों, किसी भी इंसान की आधी मौत उसी दिन हो जाती है जब उसका कोई अपना चाहने वाला उसको छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जिंदगी में तरह तरह की रुकावटें आती रहती हैं, तो रुकावटों से कभी भी आप परेशान न होइए, रुकावटों का मुकाबला करिए। और अगर आपने रुकावटों का मुकाबला करना सीख लिया, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे। दोस्तों, ऐसा अक्सर नहीं होता है कि आप जो देख रहे होते हैं वो सही हो, या आप जो सोच रहे होते हैं वो सही हो। अक्सर जो आप देख रहे होते हैं वो होता कुछ और है और आपको दिखता कुछ और है। इसी तरीके से किसी इंसान के बारे में अगर आप कुछ सोचते हैं कि यह इंसान ऐसा होगा, तो वो निकलता किसी और तरीके का है। प्लीज डिलीट ऑल द थॉट्स विच डोंट हैव एनी रोल इन योर लाइफ। दोस्तों, मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद हर रिश्ते के लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। योर हैबिट विल डिसाइड योर फ्यूचर। हम बोलना तो 2 साल में सीख जाते हैं, पर क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, ये चीज हम पूरी उम्र नहीं सीख पाते। दोस्तों, अगर आप गुस्से की हालत में हैं, तो कभी भी कोई डिसीजन न लें और ना ही किसी को रिप्लाई करें। इवन आप टेक्स्ट मैसेज या मेल के थ्रू भी रिप्लाई न करें अगर आप गुस्से की हालत में हैं और कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर आप खुशी की हालत में हैं, तो आपको कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है। अक्सर देखा जाता है लोग खुशी में बहुत प्रॉमिस कर देते हैं और बाद में वो पूरा नहीं कर पाते। प्लीज अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश करिए, अपने आसपास कुछ गलत ना होने दिए। फ्रेंड्स, साइलेंट इज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस एंड स्माइल इज द बेस्ट रिएक्शन इन ऑल क्रिटिकल कंडीशंस और सिचुएशंस। दोस्तों, अगर किसी भी काम को करने में आपको लंबा टाइम लग रहा है, रिजल्ट आने में देरी हो रही है, तो ये समझ लीजिए आपको जब भी रिजल्ट आना शुरू होगा, तो आपको देर तक रिजल्ट आएगा। और अगर किसी भी काम को करने में आपको फौरन रिजल्ट मिल रहा है, तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा, पर वो रिजल्ट लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब है, लंबा टाइम लगेगा तो खेती भी बढ़िया होगी, और अगर कम टाइम लगेगा तो रिजल्ट तो मिलेगा पर लंबे टाइम तक नहीं मिलेगा।